हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आ चुका एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक MI का फ़ोन जो कि 5G सीरीज में लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है MI 12 Pro या फिर MI 12। 12 का सीरीज चल रहा है, 12 Pro, 12 Pro Max ऐसा कुछ। तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फ़ोन के बारे में जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं MI के फ़ोन के बारे में जो कि 5G सीरीज में लॉन्च हो चुका है, MI 12 Pro। तो इसके बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। फ़ोन के बारे में जानने से पहले हम इसे 5 टॉपिक में डिवाइड करके समझेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा स्क्रीन टाइप या डिस्प्ले जिसको कहते हैं, दूसरा टॉपिक रहेगा इसका बैटरी बैकअप, तीसरा टॉपिक रहेगा कलर, कौन कौन से कलर में ये अवेलेबल है, चौथा टॉपिक रहेगा इसका सेंसर। MI का सेंसर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है इसके फ़ोन में, क्योंकि MI फ़ोन 2015 में लॉन्च होते के साथ ही एक मिनट में बिक गया था। पूरा फ्लिपकार्ट पे 2000 फ़ोन अवेलेबल थे, लेकिन जैसे ही लॉन्च हुआ एक दो मिनट के अंदर ही पूरा बिक गया था। अब सेंसर के बाद आता है इसका प्राइस। प्राइस वैल्यू इसका बहुत ही कम रहता है, फीचर्स बहुत ही कमाल के रहते हैं, इसलिए MI का फ़ोन बहुत ही अधिक बिकता है। प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये अवेलेबल है इसके बारे में भी आज हम लोग जान लेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो पहला टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। अब जान लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में या फिर इसके स्क्रीन के बारे में। इसका स्क्रीन 6.73 इंच तक लंबा है और चौड़ा है। वाइड एंगल में इसमें फ़ोटो क्लिक किया जा सकता है और इसमें इसका एक फीचर्स ये भी है कि 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट रखता है। बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है ये। जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं उसका रिफ्रेश रेट बहुत ही कम, 80 से 90 तक नॉर्मल में होते हैं, लेकिन इसका 120 है तो ये तगड़ा होगा ही। ऊपर से इसमें वाइड एंगल फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वाइड एंगल वीडियो बना सकते हैं। ये कैमरा के लिए बेसिकली, कैमरा फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए बेसिकली बनाया गया है। इसका स्क्रीन बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसका रिफ्रेश रेट जो, इसके ज़रिए आप बहुत ईजिली से कोई भी ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। गेम खेलते समय कभी ये लैग नहीं करेगा या फिर रुकेगा। इसके डिस्प्ले पे एक सेंसर लगाया गया जो कि सोनी का है। सोनी का सेंसर लगने के चलते ये 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट, मेनली गेमर्स के लिए बनाया गया है। गेम खेलते वक्त स्क्रीन छोटा ना पड़ जाए या फिर जब गेम खेलते हैं तो लैग ना करने लग जाए या फिर हैंग ना करने लग जाए। इसका स्क्रीन आप स्मूथली काम करेगा और ख़तरनाक भी है क्योंकि ये MI का फ़ोन है, और इसका बैटरी पावर भी कमाल का होने वाला है। तो स्क्रीन के बारे में आप जान ही गए हैं। आइए जान लेते हैं इस फ़ोन के बैटरी बैकअप के बारे में। इसके पहले इसका चार्जर के बारे में जान लेंगे तो वही बेहतर रहेगा। इसका चार्जर 120 वाट का है, यानी कि ये फ़ोन 120 वाट तक का चार्जर को सपोर्ट कर लेता है, इसलिए इसका बैटरी बैकअप भी बहुत तगड़ा होने वाला है। 4600 mAh का बैटरी बैकअप है इसका, और ये 15 घंटा तक मूवी लगातार देख सकते हैं आप, 15 से 16 घंटा तक। इसमें 12 घंटा तक लगातार कॉल पर बात किया जा सकता है। इसका बैटरी बैकअप बहुत ही कमाल का होने वाला है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो आप मेरे यहाँ पे साइट दिया हुआ www.futuretechnology9.com पे सर्च करके गूगल पे पढ़ सकते हैं। इसका बैटरी मात्र 20 मिनट में 50% से भी ज़्यादा चार्ज हो रहा है। ये जान लेते हैं ये फ़ोन कौन कौन से कलर में अवेलेबल है। ये फ़ोन 3 कलर में अवेलेबल है जो कि बहुत ही कमाल के कलर है। पहला कलर है ओपेरा माओ, दूसरा कलर है नॉर ब्लैक, तीसरा कलर है कॉचर ब्लू। ये तीनों कलर ही बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। आइए जान लेते हैं इसके पहले कलर यानी ओपेरा मॉ के बारे में। ये कलर क्यों इस फ़ोन में डाला गया, क्योंकि MI का फ़ोन जो भी रहता है शाइनिंग करते रहता है बैक साइड से, यानी कि ये फ़ोन हल्का पिंक कलर का है लेकिन बहुत ही शाइनिंग कलर है, इसलिए ओपेरा मॉ इसका कलर रखा गया है। दूसरा कलर है नॉर ब्लैक, ये ब्लैक लवर्स के लिए है, बेसिकली जो क्रिएटिव लोग होते हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं या ऑफिशियल काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये कलर ब्लैक कलर का बनाया गया, क्योंकि लोग अक्सर ऑफिस में काम करने वाले लोग को ब्लैक कलर या फिर ब्लैक लवर्स, सो कॉल्ड ब्लैक लवर्स जिसको कहते हैं, उनको ये कलर बहुत ही पसंद आएगा। अब तीसरा कलर है जो कैप्चर ब्लू, ये ब्लू कलर बहुत ही क्रिएटिव लोगों के लिए है जो कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं या फिर कुछ क्रिएटिव वीडियो बनाते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उनके लिए है। ये तो बात हो गई इस फ़ोन के कलर्स के बारे में या फिर ये फ़ोन कौन कौन से कलर में अवेलेबल है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में, यानी कि कैमरा क्वालिटी के बारे में। इसका कैमरा तीनों मिलाकर के 150 मेगापिक्सल का है। 150 मेगापिक्सल आज तक मैंने इस रेट के फ़ोन में देखा ही नहीं। इनफैक्ट मोटोरोला का जब फ़ोन निकला था, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन पर वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं मोटोरोला का फ़ोन के बारे में।
अगर मोटरोला का फ़ोन 108 मेगापिक्सल का हो सकता है तो एमआई का फ़ोन भी 150 मेगापिक्सल का हो सकता है। एमआई ने ये प्रूफ कर दिया है। इसका जो मेन कैमरा है वो सिर्फ 50 मेगापिक्सल का है। तीन कैमरा है, दोनों कैमरा 50-50 मेगापिक्सल का है। तीनों कैमरा बेसिकली 50-50 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, जो कि सेल्फी कैमरा होता है वो सिर्फ 32 मेगापिक्सल का है। और 4K वीडियो को सपोर्ट करता है, यानी कि 4K वीडियो इससे बनाया जा सकता है। अब हो गई कैमरा का बात, अब बात करते हैं इसका सेंसर क्वालिटी के बारे में। इसका सेंसर यानी कि कैमरा का सेंसर या फिर फ़ोन का सेंसर, दोनों का सेंसर सोनी के द्वारा बिल्ड किया गया है। और सोनी का सेंसर बहुत ही तगड़ा होता है, खास करके कैमरा के मोड में। सोनी का जो कैमरा का मोड होता है, इसका सेंसर जो होता है बहुत ही कमाल का होता है। सोनी का कैमरा आप लोग तो जानते ही होंगे, उसका सेंसर जो होता है अगर फोटो क्लिक करता है तो सिर्फ उसी पे कैप्चर करता है, उस ऑब्जेक्ट पे कैप्चर करता है, बहुत ही कमाल का फोटो आता है। तो सोनी का सेंसर इसमें लगाया गया, तो ऐसे ही फ़ोन का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही तगड़ा है, और भी इसको सेंसर जो इसका सोनी का है वो और अच्छा बना देता है। आइए जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, ये फ़ोन कौन कौन से प्राइस में अवेलेबल है, कितना GB रैम में कितना प्राइस रखा गया है। तो 8 GB और 256 GB जो रैम है, 8/256 इसका कैटेगरी रखा गया 48,990 और मात्र $613 में। लेकिन जो 12 GB रैम वाला फ़ोन है इसी कैटेगरी में, 12 GB रैम और 256 GB रोम, तो उसका रखा गया है 52,990, मात्र $663। कुछ ज़्यादा तो है नहीं, ऐसे डॉलर में बहुत ही कम होते हैं, लेकिन तब इंडियन रुपीज़ में बहुत ज़्यादा ही होता है। अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये फ़ोन अवेलेबल है। ये फ़ोन फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे अवेलेबल आ चुका है कुछ दिन पहले ही, लेकिन यह जब ये वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके पहले अमेजोन पे आ चुका होगा। और इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए, डिटेल से जानने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उसके वेबसाइट पर क्लिक करिए और मेरे वेबसाइट पर आ जाइए। वहाँ पर आपको जितने भी फ़ोन हैं, 2-4 फ़ोन अभी तक निकलने वाले अपकमिंग फ़ोन है या फिर अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा आर्टिकल। आप पढ़ के जान सकते हैं कि कब आएगा कब नहीं आएगा, और फिर आप सीधा ही उन फ़ोन्स को ऑर्डर कर सकते हैं वहीं से ही अमेजॉन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस फ़ोन के बारे में, एमआई के फ़ोन के बारे में, या फिर आप ऐसे ही टेक से रिलेटेड या फिर आने वाले टेक से रिलेटेड, अपकमिंग टेक से रिलेटेड बातें जानना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।